वहीं इस पूरे मामले में इलाके के सीनियर वकीलों के भी रद्दअमल सामने आए। जफर साहब, आप लोगों को कब पता चला ये कैसे हुआ अचानक, क्योंकि कल ही खबर ही आई कि इस पे सूट दाखिल किया गया और कल ही एक्सेप्ट भी हो गया, लिस्टेड भी हो गया और कल ही ऑर्डर भी कर दिया कोर्ट ने, ये सब कैसे हुआ? कल तकरीबन 2 बजे के करीब जब हम यहाँ पर 8-10 लोग भगवाधारी घूम रहे थे, तब ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, मालूम किया जाए कि आखिर माजरा क्या है। तो अंदर कोर्ट में कोर्ट जो पेशकार वगैरह हैं उनसे मालूमात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद पर वाद दायर होने जा रहा है, हो गया है बल्कि, अब इसकी सुनवाई होनी है। अच्छा। हाँ, सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ आदित्य सर, आदित्य हैं वो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, उनके यहाँ होनी है। तब हमें पता लगा 2 बजे के आसपास, इससे पहले हमें कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ना कोई नोटिस था, ना कोई खबर थी, कुछ नहीं था, अचानक ये हुआ। कोर्ट में जब मामला सूट दाखिल किया गया उसके बाद से कोर्ट ने आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया, क्योंकि आप एडवोकेट के साथ साथ उस मस्जिद कमेटी के हेड भी हैं उस मस्जिद में आप? नहीं, अचानक चूंकि सुनवाई हुई और सुनवाई सिर्फ 2 ही मिनट हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई, और उन्होंने जो था फौरन ही उस पर साइन कर दिए। उसके बाद हमें पता लगा कि कमीशन इन्होंने नियुक्त कर दिया है और वो जाएगा, ये नहीं कि कब जाएगा, उसमें उन्होंने लिखा ऑर्डर में कि कोर्ट कमीशन जाए और वहाँ पर जाकर वीडियोग्राफी वगैरह करे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा। हमने नकलें फराहम करने की कोशिश करी, नकलें हमें नहीं मिली। उन्होंने कह दिया कि साहब वो जज साहब के पास FIR लगी, उन्होंने हमें नहीं बताया। ऑर्डर कितने बजे निकाला है कोर्ट ने? ऑर्डर तकरीबन निकाला है 4 बजे के आसपास। 4 बजे ऑर्डर निकाला गया, देन उसके बाद 5:30 बजे आपके पास पुलिस स्टेशन से फोन आ गया कि इस तरीके से, तो 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया गया? 1 से 1.5 घंटे में ये हो गया। ओके। तब मैं वहाँ पहुँचा तो DM साहब ने मुझे वो नोटिस रिसीव कराया 6:04 पर, वो मैंने रिसीव किया। उसके बाद हम सब लोग अंदर गए, वहाँ पर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की गई सारी, और वहाँ इन्हें कहीं किसी किस्म का कोई सिंबल, कोई साइन इस तरह का नहीं मिला कि यहाँ पर कभी मंदिर था भी या नहीं। हाँ, मस्जिद ही है और वो उसके कितनी पुरानी मस्जिद है ये? ये तकरीबन 500-550 साल पुरानी मस्जिद है, बाबर ने बनवाई थी अपने शासनकाल में और मीर तकी साहब ने इसको अंजाम दिया था, बनवाया था खड़े होके, और ये जब से ही चली आ रही है, जबी से मुसलमानों के हमारे अंडर में है। अभी सब लीगल क्या बनता है इसका, क्या है ये कोर्ट में जो केस किया गया संभल की जामा मस्जिद का, उसको किस तरह से देखते हैं और लीगली क्या है इसमें? देखिए, लीगली बात ये है कि ये मिनिस्ट्री लॉ ऑफ जस्टिस का एक ये है, अब मेरे पास आपको बता रहा हूँ मैं, ये मौजूद है गजट है, ये गजट मौजूद है और इसमें इसको नाम दिया गया था कि उपासना स्थल का संप्रवर्तन प्रतिदेश अधिनियम 1991 Section 3 में इसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया कि कोई भी इसमें, और इसके साथ साथ इसमें और वो कहा गया कि लास्ट में जो आपने अभी बात कही थी कि अधिनियम का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लागू ना होना, ये एक्ट बना गया। इसके अलावा 11 जुलाई 1991 के बाद में कोई भी सूट इसमें मेंटेनमेंट नहीं है, ये किसी भी मजहबी इदारे के खिलाफ, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, किसके खिलाफ भी। जाहिर सी बात है ये 1991 का जो एक्ट बना था कि उसके बाद आप किसी तरीके का धार्मिक स्थल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था, ना तो वो चेंज होगा, ना उस पर कोई विवाद होगा और ना ही उसको बदला जाएगा। यानी ये जो कई सारे चीज़ें हैं जो इस मामले में पूरे विवाद को आपस में तय कर लिया गया है इस तरीके का, और ये कानून है, तो फिर किस बिना पर ये पनिशेबल एक्ट है? ये पनिशेबल एक्ट है, ये बता दूँ, अगर कोई इसके खिलाफ जाता तो पनिशेबल है, ये बता दूँ इसके लिए गया। अब सवाल वही है बार बार कि आखिर जब एक कानून बन गया तो किस आधार पर कोर्ट ने इसको किया, हालांकि ये कोर्ट का जो है मामला है और कोर्ट ही तय करेगा आगे, क्योंकि उस पर कोई भी टिप्पणी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, ये कोई पहला मामला नहीं है। मथुरा की शाही मस्जिद हो या फिर वाराणसी का मामला हो, कई ऐसी जगहों पर लगातार इस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं। गौरव के साथ सैयद मुबशिर, सलाम TV, संभल।